5 4 3 2 1 0 plus 5 seconds. Lift off normal P1 tracking. P3 tracking. Magnificent lift off of PSLV C57 with Aditya L1 on board. Plus 15 seconds. PSLV C57 का सफल उत्थापन और इसके साथ प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने। इसके साथ ही एक और कदम है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। आप देख रहे हैं PSLV C57 प्रथम चरण पूरी तरह सामान्य। The rocket flying forth following nominal trajectory and developing nominal thrust. The bright fumes against a clear midday sky. Rocket launch is more than just a sight to behold. The roaring sound and the vibrations that we can feel here, adding to this, the thrill are just amazing. Ground lit and air lit strap-ons operating together with the first stage S-139. Ground lit strap-on separated. जैसा कि निर्धारित है ग्राउंड लेड स्ट्रैप ऑन को सेपरेट कर दिया गया है और प्रथम चरण का निष्पादन सामान्य है। इस घटनाक्रम में अगला एयर लेड स्ट्रैप ऑन को यान से पृथक कर दिया जाएगा। एयर लेड स्ट्रैप ऑन सेपरेटेड। जी हां, इसकी भी पुष्टि हो गई है, स्ट्रैप ऑन को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। We are 100 seconds past the launch time. The ground lit and air lit strap-ons have been separated. S-139 motor still thrusting. S-139 110 सेकंड के प्रज्वलन काल के पश्चात उसे भी पृथक कर दिया गया है। Plus 2 minutes. द्वितीय चरण जो कि तरल लोधक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है और वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। The launch vehicle is at an altitude of 73 kilometers. First stage has been separated. Second stage has begun its operation and the closed loop guidance has been initiated. According to the announcement by Range Operations Director, PS2 is developing nominal thrust. PS2 41 टन के तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें विकास इंजन द्वारा 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और इसका प्रज्वलन काल लगभग 150 सेकंड का होगा। शार एंड पोर्ट ब्लेयर ट्रैकिंग स्टेशंस प्रेजेंटली एक्वायरिंग सिग्नल्स, फ्लाइट पाथ क्लोजली मैचिंग द प्रेडिक्शन। प्लस 3 मिनट्स। वर्तमान में यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। सेकंड स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल। यान की ऊंचाई 106 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। The velocity addition in PS2 regime is going to be from 2 kilometers per second to 4.9 kilometers per payload second. Payload fairing separated. The payload fairing. तो देखिए पेलोड सेपरेशन जो है उसकी प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। यहां पर जो हमारे साथ वैज्ञानिक मौजूद हैं वो भी टकटकी लगाकर स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं और हमें समझा भी रहे हैं कि इस वक्त दूसरे चरण के प्रज्वलन के बाद किस तरह से जो पेलोड हैं वो अलग हो रहे हैं, उनका सेपरेशन हो रहा है। इस वक्त स्क्रीन पर सबकी नजरें हैं, लेकिन हमारे साथ स्टूडियो में जो आम लोग मौजूद हैं, स्टूडेंट्स मौजूद हैं, उनके दिल की धड़कनें तेज थी और इस सफलता के बाद, इस कामयाबी के बाद कैसे स्वागत कर रहे हैं आप लोग। तो ये देखिए स्टूडियो में भी जोश जो है वो पूरी तरह से हाई नजर आ रहा है। और आलोक जी, ये स्टेज जो है ये, इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? पेलोड अब सेपरेट हो रहे हैं। एक सर ये भी कि हमने तो जैसे ही लॉन्च हुआ था हमने ताली बजा दी, लेकिन मैंने देखा जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने उस वक्त ताली नहीं बजाई, उन्होंने इस स्टेज तक पहुंचने के बाद थोड़ी सांस ली और ताली बजाई, तो वो समझ रहे थे कि क्या। जी हाँ, उनकी गंभीरता, वो बहुत गंभीर है और वो तो जब हम वहाँ पहुँच जाएंगे और मिशन जब कम्प्लीट हो जाएगा शायद तभी ताली बजाएंगे। जी हाँ,
जी जाहिर सी बात है क्योंकि उनको वो चुनौतियां जो है वो सांस रोक कर उसका रियल कैलकुलेशन कर रखा उन्होंने कि हर एक स्टेज पे क्या थ्रस्ट चाहिए, क्या मैनूवर चाहिए। ये जो ग्राफ है ये क्या बताता है? ग्रीन वाला ग्राफ बता रहा है उसके मूवमेंट को, ऊपर वाला ग्राफ। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, ये एल्टीट्यूड है और अलग अलग इसके ग्राफ है दो जो यहाँ पे, लेटीट्यूड और एल्टीट्यूड बताता है। टाइम वर्सेज एल्टीट्यूड है पहला ग्राफ, ये हमारी डिजायर्ड पोजीशन होगी शायद, और ये भी जो अचीव कर ली है आदित्य एल1 के द्वारा वो बता रही, जो हमारी ट्रेजेक्टरी है उस पर ये बिल्कुल सही जा रहा है, ये दर्शाता है। एक हमारी कैलकुलेशन जो हमने कर रखी है, हमारा एस्टीमेटेड है, एस्टीमेटेड है और नीचे वाला एक्चुअल है जिस पे वो मूव कर रहा है, एक्चुअल जो अचीव कर रहा है। जैसे ये पार्किंग पॉइंट जो है इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए, जो हमारी मंजिल है इस सूर्ययान की, जो मंजिल है अभी तो उसमें लगभग 110-11 दिन लगेंगे क्योंकि अचीव करने में। अभी तो ये हमारी पृथ्वी की कक्षा में ही घूमेगा और उसकी जो परिधि है उसको बढ़ाता जाएगा धीरे धीरे, तो ये लगभग समय 12 से 14 दिन का जो लगेगा, उसके बाद फिर ये L1 की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो अभी तो ये अपने पूरे वातावरण में ही घूमेगा पृथ्वी की। 5 बार मैन्यूवरिंग करेंगे, करीब 16 दिन का रहेगा और फिर उसके बाद जो है ना करीब 120 दिन का पूरा है, 4 महीने के करीब बढ़ते जा रहा है। तो पेलोड फिर सेपरेशन इतनी जल्दी कैसे हुआ? तब जाके ये थ्रस्ट, उसको थ्रस्ट देने के लिए प्रॉपर थ्रस्ट देने के लिए। अच्छा अच्छा ओके, तो देखिए सुप्रिया जी बता रहे हैं कि वेलोसिटी बढ़ती जा रही है और जब वो 11.2 तक पहुंचेगी किलोमीटर पर सेकंड वो बाहर निकलेगी। ये देखिए ये जो यहाँ पे हमें दिख रही है, ये हम जानते हैं इसको एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। अगर ये 11 किलोमीटर पर सेकंड हो गई दैट मींस वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार कर बाहर हो जाएगा, इतना अचीव करेगा अभी तब जाके जो ये लगातार बढ़ रही है और ये 11 हो जाएगी, 11 को जब क्रॉस कर लेगा तो पृथ्वी की कक्षा से बाहर, गुरुत्वाकर्षण से क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा।